चलिए बच्चों, पहले इसे समझ लेते हैं कि सर ये क्या कर रखा है आपने, मतलब करना क्या चाह रहे हो आप, क्या चाहते हो आप, उनसे क्यों परेशान कर रहे हो, न ऑफलाइन क्लास में छोड़ रहे हो न ऑनलाइन में छोड़ रहे हो, परेशान ही परेशान कर रहे हो। ये परेशानी ही मिठाई का डिब्बा लाएगी हमारे लिए, ये जो हम आपको परेशान कर रहे हैं यही तो मिठाई के डिब्बे की कीमत होती है, इसी से आते हैं। समझ लेते हैं ज़रा क्या है। देखो बच्चों, ये 45 प्लस 50 में से जो मॉक टेस्ट आपको भेजा गया है, अगर आप उसमें 45 प्लस में जाते हो तो आप 85 से 100 के बीच में एसएससी में स्कोर करके आओगे, ऐसा मेरा मानना है, अनुमान है मेरा, ऐसा मेरा अनुभव है ऐसा 8-9 साल का। 40 प्लस में अगर हमारे मॉक टेस्ट में ईमानदारी से आप कर रहे हो 50 में से, टाइम को भी थोड़ा ध्यान रखो, ज़्यादा देर तक नहीं करना, तो 80 से 90 के बीच में आपका एसएससी में स्कोर हो जाना चाहिए स्टेनोग्राफर 2023 के एग्जाम में। बात आती है सर सीजीएल में कहें तो परसेंटेज पे ले दो आप इन्हें, 85% 80% परसेंटेज से फिर आप जानते हो कर लेना उसे। 30 प्लस अगर मार्क्स हैं आपके लेकिन 40 से कम हैं तो फिर आप 70 और 80 के बीच में स्कोर करने वाले हो एग्जाम पेपर में। 25 प्लस लेकिन 30 से कम है 50 में से तो आपका स्कोर 50 और 70 के बीच में रहेगा। ये हमारा एक पैरामीटर है, हमने एक पैमाना बना दिया कि ऐसे ऐसे हो सकता है आपके साथ में। अब क्या ऐसा ही होगा? ऐसा कुछ नहीं होता है। अभी इतना टाइम है कि जिनके स्कोर कम आ रहे हों, लग रहा हो कि सर मेरे 40 प्लस आए हैं, क्या मैं 80 से 90 के बीच में हूँ, तो ये बढ़ जाएंगे, अभी 20 दिन और हैं आपके पास। सर मेरे 30 प्लस आए हैं मॉक टेस्ट में, तो क्या मैं 70 से 80 के बीच में नंबर मानूँ अपने? घट भी सकते हैं अगर आप लापरवाही करोगे तो, और बढ़ भी जाएंगे अगर आप परवाह करोगे चीज़ों की। तो ये हमारा एक ग्राफ है जिससे हम समझना चाहते हैं कि क्या होगा हमारे एग्जाम पेपर में, तैयारी कैसी है हमारी। एक छोटा सा टेस्ट हमने लिया। कई बच्चों ने पूछा सर ये कौन है ये बताओ, ये कौन हो सकता है बच्चों मेरे अलावा? इसमें वजन नहीं देखना कितने, दो दो पड़े हुए हैं 20-20 किलो के, ज्यादा हो गया, दो दो पड़े हुए हैं 10-10 किलो के, टोटल 40 हो जाएगा ना, और ये 40 किलो वजन उठा लोगे आप? ये कौन उठा सकते हैं? सिर्फ असीम सर, बॉडी के साथ में। तो ये मैं ही हूँ ऐसा कर खड़ा हुआ, ठीक है ना। चलिए वापिस आ जाइए आप लोग सब, क्या रहा स्कोर चेक कर लो। तो ये क्वेश्चन नंबर पहला है, इसमें हम क्या करना आए हैं बच्चों? इसमें हम देना आए हैं आपको सॉल्यूशन। तो ये रहा हमारा, द मैनेजर हेजिटेटेड टू असाइन द जॉब टू द न्यू कमर एज ही वाज वेट बिहाइंड द ईयर्स। यही तो पूछना था आपको, इतना समझदार तो हो, अंडरलाइन नहीं कर रहा आजकल वो, ना इटलाइज्ड कर रहा, ना उसे डार्क कर रहा, ना बोल्ड कर रहा, बस ऐसे ही पूछ रहा, अपने आप समझना होता है, ईडियम पूछी है बच्चों। वेट बिहाइंड द ईयर्स का मतलब होता है अनुभवहीन और नया नया, खत्म हो गया क्वेश्चन नंबर। नेक्स्ट, आई टोल्ड द स्टूडेंट्स, मैंने छात्रों से कहा टू बकल डाउन। अब इसका मीनिंग नहीं पता तो कुछ भी लगा दोगे आप, मीनिंग पता होना चाहिए था, तभी तो कहा है कि 45 प्लस में हो तो यानी कि ये पता होगा आपको, और ये पता है तो आपकी नॉलेज बढ़िया है, आप पढ़ने वाले हो, और आप पढ़ने वाले हो तो हमारा स्कोर गलत नहीं है, तो हमने बताया है आपको। आंसर लगा दो, वर्क सीरियसली, गंभीरता से पढ़ाई करना। आई रियली लुक ब्लैंक माई टीचर एंड ट्रीट हर विद रेस्पेक्ट, और मैं बड़ी इज्जत के साथ पेश आता हूँ उन्हें, और मैं उन्हें बहुत ज़्यादा सम्मान देता हूँ। लुक अप टू, लुक अप क्या होता है सर? तो बच्चों लुक अप क्या होता है ये भी समझा रहे हैं, ये पता ही होगा, लुक फॉर तलाश करना, लुक आफ्टर देखभाल करना, लेकिन ये काम का है लुक अप, आंसर तो लुक अप टू हो गया, इसका मतलब होता है सम्मान देना, सम्मान देना, इज्जत की नज़रों से देखना, दिल में उनके लिए आदर रखना, ये सब लुकअप टू में होता है, आंसर तीसरा हो गया। अब ये लुकअप क्या है बच्चों? जब कभी आप किसी डिक्शनरी को, सॉरी किसी शब्द को डिक्शनरी में ढूंढते हो, रेलवे स्टेशन पे जाके टाइम टेबल देखते हो कौन सी ट्रेन कितने बजे है, एरोप्लेन की जो फ्लाइट होती हैं एयरपोर्ट पे वहाँ आप देखते हो, आप अपने जो है कह सकते हैं कि घर की कोई डायरी बना रखी हो उसमें फ़ोन नंबर लिख रखे हैं आपने अपने दोस्तों के, परिवार के, रिश्तेदारों के, उसे ढूंढते हो फ़ोन नंबर कौन सा किसका है, ये लुकअप होता है। तो लुकअप होता है कहीं पर कुछ डाटा ढूंढना लिखा हुआ जो होता, ठीक है, आंसर तीसरा हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ऑल द मेंबर्स, बढ़िया सवाल है बच्चों, ऑल द मेंबर्स में किसी को अगर परेशानी लग रही हो तो मुझे बताओ, कमेंट करो, फिर मैं बताऊंगा क्या था वो, फिलहाल तो कोई गलती नहीं है। ऑल द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, कोई गलती नहीं है, कोई गलती नहीं है, द लगाने की मत सोचना, बढ़िया चल रहा है। ऑल द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, तो बच्चों पार्लियामेंट के सभी सदस्यों ने गेव देयर, कितना बढ़िया लगा हुआ है, अगर ये धोखे से भी इट्स कर देते तो कितना गलत हो जाता, क्योंकि ये आ रहा है बच्चों किसके लिए, देयर के लिए, बढ़िया, कोई गलती नहीं, कोई गलती नहीं अभी तक।
तो पार्लियामेंट के सभी सदस्यों ने अपनी सहमति दे दी और कंसेंट के बाद टू आता, ये भी ध्यान रखना यहाँ पे कंसेंट नाउन है। बढ़िया चल रहा है इस टाइम, बहुत बढ़िया। अभी देखना ये है कि होना क्या है सेंटेंस में। तो सभी सदस्य पार्लियामेंट के अपनी सहमति दे चुके हैं एक्ट के लिए। थोड़ा सा जरा साफ कर दूं मैं यहां तक, आज्ञा में यहां तक कोई गलती मुझे मिल नहीं पा रही, अभी तक तो मुझे मिली नहीं है, आपको मिली हो तो बताना। फ्यू ओपोनेंट्स, कोई बात नहीं, ना के बराबर रेप्रिमेंडेड इट, ना के बराबर ने इसमें कमी निकाली, इसका विरोध किया। ये ओनली थोड़ा सा मुझे अजीब लग रहा है यहां पर, आपको नहीं लगा अजीब थोड़ा सा? ये आपको ऐसा नहीं लगा कि थोड़े से ने सिर्फ विरोध किया? से बढ़िया, सिर्फ थोड़े से ने विरोध किया, सिर्फ थोड़े से ने विरोध किया। ओनली की क्या खासियत? ओनली की ये खासियत कि जिसकी विशेषता बताएगा उसके पहले आएगा, और विशेषता बताएगा किसकी ये आपको समझना है। तो आप हिंदी बनाओ इसकी, मैं बोल देता हूँ, चलो जोर दे रहे हैं। सभी सदस्यों ने पार्लियामेंट के अपनी सहमति दे दी उस एक्ट को पारित करने के लिए। फ्यू ओपोनेंट्स ओनली रेप्रिमेंडेड इट, ना के बराबर विरोधियों ने ही, ना के बराबर विरोधियों ने सिर्फ इसका विरोध किया, नहीं। इसका मतलब है बच्चों यहां आएगा ओनली, ठीक, खत्म हो गया। गलती कौन से पार्ट में है? सी पार्ट में। हमारा आंसर कौन से पार्ट में हो गया? सी। एक बात और आती है, वो मैं समझाऊंगा आपको, कभी आप पूछो मुझसे। सर ये जब ओनली लग गया फ्यू के साथ में, इसका केस आपको पता होना चाहिए, नोट कर लेना इसे आपको नोट करना चाहिए। मेरे बच्चे सब जानते होंगे जो डिग्री पढ़ चुके हैं मेरे पास। ओनली फ्यू ओनली लिटिल इज अ रॉन्ग पेयर, जो सही पेयर है वो ये होता। यानी कि जब आप ओनली को लेके जाओगे तो हमारी नज़रों में ए भी लगाना पड़ेगा आपको, हमारी जो ग्रामर है उसके हिसाब से, जो हम जानते हैं, जितनी समझ हमें थोड़ी बहुत है उसके हिसाब से। तो बच्चों ओनली लाना आपके लिए प्राथमिकता है, बाकी ए लगा लेंगे तो सेंटेंस आपने 100% अकॉर्डिंग टू ग्रामर कर दिया, बढ़िया हो गया। तो ओनली ए लिटिल ओनली ए फ्यू होता है, यहाँ पे दा भी नहीं आएगा और ये आर्टिकल खत्म भी नहीं होना चाहिए। आंसर तीसरे पार्ट में है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आई हैव गॉन थ्रो। बच्चों गो थ्रो का मतलब होता है मैं से गुजरना या पढ़ना किसी चीज को, लेकिन यहाँ पे एग्जाम देना है कई सारे, तो शुरू करते हैं। आई बढ़िया, हमारी नजरों में कोई गलती नहीं है, बढ़िया, कोई गलती नहीं हमारी नजरों में। गॉन थ्रो बढ़िया पेयर, थर्ड फॉर्म लगी हुई है। सेवरल के बाद में अगर एस नहीं होता तो यही गलती होती, लेकिन अभी बढ़िया है। इन माई लाइफ बहुत बढ़िया, बट दिस वन, लेकिन ये वाला, वाज स्लाइट डिफिकल्ट एडजेक्टिव, स्लाइट एडजेक्टिव गलत बात है बच्चों स्लाइट का करना पड़ेगा आपको स्लाइटली, क्योंकि ये एडवर्ब है और किसी एडजेक्टिव के लिए एडवर्ब आएगी, एडजेक्टिव नहीं। इसी पार्ट में गलती थी, बाकी कोई गलती नहीं है। अब बात आती है सर ये प्रेजेंट पास्ट का कॉम्बिनेशन, समझा देते हैं इसे भी। आई हैव गॉन थ्रो सेवरल एग्जाम्स इन माई लाइफ, मैं अपनी जिंदगी में काफी एग्जाम दे चुका हूं, लेकिन ये जो था कल, जो कल देकर आया हूं, भाई ये बड़ा मुश्किल था, या ये थोड़ा सा मुश्किल था, ऐसे बोल दो स्लाइटली डिफिकल्ट, थोड़ा सा मुश्किल था। फिलहाल गलती कौन से पार्ट में है? डी में, स्लाइटली को एडवर्ब करना पड़ेगा क्योंकि एडजेक्टिव है, स्लाइट एडवर्ब होती है, स्लाइट एडजेक्टिव होता, स्लाइट एडजेक्टिव और स्लाइटली एडवर्ब होती है। आफ्टर केयरफुली कंसिडरेशन तो नाउन होता, और नाउन से पहले ये क्या कर रही है, अब क्या उल्टा हो गया, अब के एडजेक्टिव चाहिए था, अब के इन्होंने जो है बच्चों क्या कर दिया, अब के इन्होंने एडवर्ब कर दिया था। एक नंबर मिल गया। ऐसे ही नहीं कहा मैंने कि 45 प्लस वाले 85 और 100 के बीच में, किसी वजह से कह रहा हूं, क्योंकि ये क्वेश्चन जो कर पा रहा बच्चों, मैं तो नहीं मानता कि उसका पेपर खराब हो सकता है। एक बात और बच्चों, क्या देगा पेपर में वो, चलो ये पेपर मैंने बना दिया आपको आसान लग रहा हो या किसी को मुश्किल लग रहा हो, तो मतलब बिल्कुल हलवा पेपर चाह रहा हो जिन्हें मुश्किल लग रहा है, ये चाह रहा हो कि सीनियर के साथ टू लगवा ले, ही के साथ इज लगवा ले, और आगे दे दो एप्पल और एन लगवा ले, मतलब ये चाह रहा हो, देखो ऐसे भी मत चाहो। और जो बच्चे सो रहे हैं बड़ा आसान है, तो क्या चाहते हो, मतलब कि यहाँ से लेके यहाँ तक की एरर दूँ मैं आपको? चक्कर में मत पड़ो ज़्यादा, मैं कह रहा हूँ आपसे रीजनिंग को संभाल लो, अपना टाइम सेट कर लो रीजनिंग में, 30 मिनट के अंदर अंदर रीजनिंग बढ़िया करके कर लो, मुझसे मिल लेना, ये तो परेशान करेगी ही नहीं, ये तो हमारी पाली हुई है बच्चों अंग्रेजी, ये परेशान नहीं करेगी आपको, मैंने पढ़ाया है आपको, जिन्हें मैंने नहीं पढ़ाया, जिन्होंने भी पढ़ाया है, काबिल टीचर हैं वो सब, बढ़िया करके सिखा चुके हैं आपको, क्यों टेंशन ले रहे हो आप? बस आपका एक ही काम है, टाइम रीजनिंग में कम लगा करके बस कॉम्प्रिहेंशन पे अटैक बोलना, बस यही एक मेरा फॉर्मूला है इस बार SSC स्टेनोग्राफर 2023 के एग्जाम के लिए।
ग्रेड सी ग्रेड डी सब लाओगे आप, तरीका यही रख लो, प्लीज़ मेरी बात मान लो, आप रीजनिंग पे खूब मेहनत करके, इंग्लिश को बंद मत करना, इंग्लिश पे करो, लेकिन रीजनिंग को थोड़ा सा आप मुट्ठी में कर लो आप। अगर आपने 30 मिनट में 45 प्लस क्वेश्चन कर दिए, बस बेड़ा पार हो गया, ग्रेड सी तक नज़र जा रही है आपकी, ध्यान रखना। इसका मतलब आप ये समझ रहे हो कि इंग्लिश और जीएस नहीं करना, मेरी बात को तरीके से लो आप। वेल प्रिपेयर्ड स्टूडेंट्स गलती कर सकते हैं टाइम मैनेज ना करके, उनके लिए बोलो टाइम मैनेज कर लो, बढ़िया हो जाएगा, बाकी कोई परेशान थोड़ी करेगा आपको। चीज़ चलो यहाँ केयरफुल आ गया, तो यहाँ पे हमारी बी पार्ट में गलती। एक बात और सुनो, क्या ये सही है जो बोर्ड पे लिखा हुआ, सडनली और अराइवल, ठीक है ना, सॉरी सडनली अराइवल, बताओ सडनली अराइवल सही है यहाँ पे, गलत है बच्चों, ये एडजेक्टिव होना चाहिए सडन अराइवल, क्योंकि ये नाउन है। लेकिन अगर ये कर दें सडनली मान लो और अराइव्ड ऐसा हो तो सही है, ये वर्ब है तो वर्ब के लिए एडवर्ब है, यहाँ तो सडन होगा ना, ये भी क्वेश्चन आ चुका है एक बार, फिलहाल वहां केयरफुल कर दो। नेदर अवर फैमिलीज, नेदर के बाद में हमारे परिवार दिए हुए हैं कई सारे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। नॉर अवर फ्रेंड्स, ना ही हमारे दोस्त, बच्चों नोज का तो डज हट जाएगा क्योंकि इसके हिसाब से आएगी, ऐसे बच्चों के लिए हमने ये सीख दी है जो ये सोचते हैं कि नेदर नॉर हमेशा सिंगुलर लेंगे, सिंगुलर वर्ब आएगी, गलत बात है। नेदर के साथ 5-6 दोस्त लगा दो बढ़िया, नॉर के साथ 20-25 दोस्त लगा दो बढ़िया, हमें देखना नेदर नॉर के साथ में जो नाउन है वो है कैसा, अगर सिंगुलर है पास में तो सिंगुलर वर्ब आती, लेकिन ये प्लूरल है, नो करना चाहिए था आपको, बढ़िया है। ना तो हमारा परिवार ना हमारे दोस्त जानते हैं कि हमारी शादी हो रही है या हम शादी कर रहे हैं, आंसर सी पार्ट में यानी कि बी, इस पे नंबर लेना सब लोग। लो आ गया, बड़ी चाहत रहती है बच्चों को, सर बड़ी बड़ी एरर, चलो मैं बैठ जाता हूँ आराम से नीचे फलो था मार करके, आप कर लो इसे, मतलब क्या मिलेगा आपको इसमें, बहुत बहुत सारे ऐसी क्वेश्चन चाहिए हमें, अगर ये आते बच्चों तो यही करवाता, एक या दो हद तीन है क्वेश्चन की, 97 क्वेश्चन स्मूथली चलेंगे, हम बोल रहे हैं आपसे, क्यों परेशान हो रहा हो, अभी बोली दोबारा नहीं बोल रहा, रीजनिंग पे काम करो, जीएस बाकी तो अब समझदार हो, पढ़ना चाहिए वो भी। किसी को प्रॉब्लम हो तो मुझे बता दो, किसी को मूड हो कि सर ओवर के बदले में फोर, सिंस के बदले में फोर आता, ये ओवर निकाल सकते हैं आप। पिछले 5 महीनों में रेगुलेशंस फॉर द बैन ऑन प्लास्टिक पैकेजिंग हैव में गलती हो सकती थी, लेकिन नहीं होगी क्योंकि सब्जेक्ट रेगुलेशंस प्लूरल है, ये पूरा जो सब्जेक्ट है इसमें रेगुलेशंस आएगा यहाँ पर। पिछले 4 महीनों में ऐसे कानून जो प्लास्टिक पैकेजिंग पर बैन लगाने के लिए हैव बीन चेंज्ड, बदले जा चुके हैं, रेगुलेशंस हैं बदले जा चुके हैं 3 times 3 times, मुझे तो कोई गलती मिली नहीं भैया, आपको लग रही हो तो बताओ आप, बिल्कुल मुझे, मेरा नंबर भी आपके पास होना चाहिए बच्चों, क्योंकि हम आपके टीचर मेंटर हैं, तो कोई भी डाउट दिमाग में रहे तो सोना नहीं है, ना हमें सोने देना है आपको, तुरंत मैसेज कर देना, तुरंत कॉल कर देनी है, मैसेज करना, वैसे कॉल एकदम से आप करोगे अजीब लगेगा, समझ रहा, मैसेज डालना और थोड़ा इंतज़ार भी कर लेना प्लीज़, मैं बिज़ी बहुत ज़्यादा रहता हूँ, सुबह 8 बजे से 6 बजे तक पढ़ाता हूँ, शाम को 10 घंटे होगा पूरे, ये होगा नहीं होगा, कल बैच चल रहा है हमारे इस टाइम पे, आगे चल के 8 घंटे हो जाएगा, 2 घंटे का रिलीफ मिल जाएगा पेपर के बाद में, और उसके बाद फिर मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो इससे आप थोड़ा ये भी सीखो कि जब आपका टीचर इतनी मेहनत कर रहा है, मतलब 12-13 घंटे खड़े होकर पढ़ा रहा हूँ, थोड़ी बहुत बैठ गए तो बैठ गए, तो बच्चों आप कितनी देर पढ़ रहे हो घर पे सेल्फ स्टडी में, 4 घंटे थक गए। अगर स्टेमिना बनानी है, अगर आपको अपने अंदर ताकत लानी है, खाना पीना तो रखो, लेकिन एक नज़र परिवार पे भी रखना, एक उस परिवार पे जो इस टाइम साथ में है, और एक उस परिवार पे जो 3-4 साल बाद आपको अपनाना ही पड़ेगा, यानी कि आपकी वाइफ या आपके हस्बैंड और उनके बच्चे, कौन करेगा उनका पालन पोषण, कौन करेगा उनकी शिक्षा बढ़िया करके, कौन, ये नहीं कि पैसों से, उन्हें कौन सही राह दिखाएगा, आप दिखाओगे, हमारी बातें सुनो, हमसे बेहतर बेहतर टीचर्स मौजूद हैं उनकी बातें सुनो, गाइडेंस लोन का वो अपने बच्चों पर अप्लाई करना, फिर उनके अंदर ये कमी नहीं आनी चाहिए कि गाइडेंस की कमी रह गई, बढ़िया हो जाएगा आपके साथ में। मैं यहीं हूँ, वापस दोबारा से आ गया, आप ध्यान रखें कि जो बोर्ड पे लिखे हुए यहाँ तक के सेंटेंस था उसमें कोई गलती नहीं है, ये मेरा नंबर है, किसी को परेशानी हो तो बता देना, ठीक। द लेटेस्ट नोटिफिकेशन बाई द स्टेट गवर्नमेंट, बहुत बेहतरीन लगा हुआ, लेटेस्ट नोटिफिकेशन आते रहते हैं बार बार, तो लेटेस्ट नोटिफिकेशन आया है, इशूड द बैन ऑन ऑल PET bottles, सुने, अभी जो हाल ही में नोटिस आया है
राज्य सरकार के द्वारा इशूड उसने ये कहा है, उसमें ये कहा गया है, उसमें ये जारी किया गया कि बैन ऑन ऑल पीपीटी बॉल स्मॉल देन, बताओ कितना बड़ा सेंटेंस था, कितना लंबा सेंटेंस रहा, गलती मुन्नी सी बिल्कुल, देन के पहले कंपेरेटिव डिग्री, ये आपके लिए सीख है, ये आपको मैंने सीख दी है। क्वेश्चन कितना ही बड़ा हो, क्वेश्चन कितना ही छोटा हो, क्वेश्चन की लेंथ पे मत जाना आप लोग, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर, कूल बिल्कुल, मस्ती में एकदम, आजा कितना बड़ा सेंटेंस है, आजा कितना छोटा सेंटेंस, चल हट यहाँ से, ये भी हो गया ये, अच्छा यहाँ गलती करके आगे बढ़ जाओ, कूल बी कूल। मैं कूल शब्द को इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ बच्चों, आजकल बच्चे बड़े टेंशन में हैं, पता नहीं क्या होगा, अरे क्या होगा, उस पर भरोसा नहीं है कि आपको दुनिया के न्याय में, दुनिया के बड़े से बड़े ईमानदार व्यक्ति के न्याय में फर्क आ सकता, उसके में नहीं आएगा, तो क्यों डर रहा हो, पढ़ रहा हो, मेहनत कर रहा हो, परिणाम मिलेंगे, नहीं पढ़ रहे हैं बिल्कुल कुछ नहीं होगा, नहीं हो पाएगा बच्चों, वापस आ जाओगे, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है, जब नहीं पढ़े और नहीं मिल रहा परिणाम तो किसमें रोने की क्या बात है, इसमें निगेटिविटी लाने की क्या बात है, मतलब दूसरे का हक मारोगे आप, जो पढ़ेगा वो जॉब पे जाएगा, जो नहीं पढ़ेगा घर रहेगा, अगली बार पढ़ के आप पे चले जाना, ठीक, परेशान मत होना। ऐसे बच्चे जिन्हें इस टाइम टेंशन है, सर 75 रह गए, सर 20 नंबर आए हैं, बस 30 आ गए, मतलब इसे जो सोच के निगेटिविटी, उससे क्या होगा, उससे दिमाग कुंद हो जाएगा आपका, कूल रहो यार, कूल रहने का सिंपल फंडा अजीम सर वाला, भाई अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ूंगा, मैं भी नहीं छोड़ता हूँ, अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ूंगी, बाकी वो जाने क्या करना उसे, बस खत्म, कूल रहो, उसके आगे नहीं चल पाएगी आपकी, और उसके आगे क्या नहीं चल पाएगी, वो कामयाब करेगा तो होना ही पड़ेगा, बिना कामयाबी के वापस नहीं आओगे, ये भी है उसके अंदर। आ जाइए बच्चों, में इससे आगे नहीं जाना चाहता, टाइम ज्यादा हो जाएगा, आपको कोई प्रॉब्लम लगी हो तो पूछ लेना, मेरा तो स्मॉलर हो गया बच्चों, और गलती मेरी कौन से पार्ट में हो गई, गलती डी पार्ट में है, अच्छा देखते हैं क्या क्या था, ए बी सी डी, डी पार्ट में करना बच्चों, चलो पार्ट को छोड़ो, ये वाली गलती रहेगी आपकी, ठीक है ना, तो डी पे चले जाएंगे, खत्म हो गया बच्चों क्वेश्चन, आगे चलते हैं। शांतानु इज मोर ब्रेव देन वाइजर, मुझे उम्मीद है कि आपने गलती इसमें करी, लेकिन जाओ लिख लो मेरी बात, 50% बच्चों को नहीं पता कि गलती क्या है, ये भी एक फैक्ट है कि आपने गलती पहले पार्ट में कर दी, बहुत बढ़िया, मजा आ गया, नंबर मिल गया आपको, जाओ मौज लो, ऐसे नंबर का करोगे क्या जिसमें यही नहीं पता सर गलती क्या है, ये नहीं पता लगा, हाँ इसमें सर अनुमान सा लगा, सर दिल से आवाज आई सर, उससे आंसर लगा, दिल से आवाज से आंसर लगा, क्या हो गया पेपर में, इसमें गलती ये है कि ये भी बढ़िया, लेकिन देन के बाद जो वाइज है वो वाइजर नहीं, वाइज होगा, क्या कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट ये है, जब देन के दोनों तरफ एडजेक्टिव हो, उनकी तुलना करनी हो, तो यहाँ एडजेक्टिव पॉजिटिव डिग्री में, और यहाँ जो एडजेक्टिव होगा वो मोर और बच्चों एडजेक्टिव, इस तरीके से आएगा, टॉलर नहीं बनेगा मोर टॉल, ब्रेवर नहीं बन सकता था मोर ब्रेव, मोर स्मॉल, इस टाइप से बनेगा, ठीक, तो वो वाइज भी होती, ये भी ध्यान रखना, किसी को अगर इस बात से प्रॉब्लम हो, सर हमारे टीचर ने तो हमें ये बताया कि दोनों तरफ डिग्री सेम होनी चाहिए, आपके टीचर ने सही बताया है लेकिन आप गलत समझ रहे हो, वो कह रहा है एंड के दोनों तरफ डिग्री सेम होगी, ये एंड नहीं है देन है, ये क्लियर बात, खत्म हो गया कॉन्सेप्ट, आंसर क्वेश्चन नंबर 9 का पहला हो गया, आगे बढ़ेंगे। आई कुड नॉट रीच देयर, मैं वहां पहुंच नहीं सका, इतनी आसान गलती बच्चे सोच भी नहीं सकते, मैं वहां पहुंच नहीं सका क्योंकि बारिश हो रही थी, फॉर नहीं आएगा, सिंस आएगा, ये पॉइंट ऑफ टाइम में आता है, क्वेश्चन नंबर सी, आंसर खत्म हो गया। द डॉक्टर वार्न्स हिम, डॉक्टर ने उसे चेतावनी दी कि अनलेस ही गिव्स अप स्मोकिंग, अगर वो धूम्रपान नहीं छोड़ता है, बच्चों क्यों दिमाग लगा रहा हो, क्यों परेशान हो रहा हो, क्या है इसमें, His health will soon be recovered. उसकी जो सेहत है वो उसे मिल जाएगी वापस, अगर धूम्रपान छोड़ देगा तो, मीनिंग है अगर धूम्रपान नहीं छोड़ेगा तो, मीनिंग क्या है, नहीं, अगर धूम्रपान नहीं, इसे क्यों भूल रहे हो आप, ये कैसे लगा दोगे, अगर धूम्रपान नहीं छोड़ेगा तो सेहत नहीं मिलेगी दोबारा, He will not suffer, उसे कोई कष्ट नहीं झेलने पड़ेंगे, गलत बात है, विल ही हटाओ, इसे आंसर पहला है, बाकी टेंशन मत लो ज्यादा। कैन यू लैंड मी ए पेंसिल, हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए, बढ़िया सवाल, मतलब थोड़ा नए मॉडर्न टाइप का, आपने मुझसे वैसे कहा सर एक प्लीज एक मिनट के लिए पेन चाहिए, हेयर हो तो कहा, ये है तो लगवा सर, हेयर इट इज, आपने मुझसे कुछ ज्यादा चीजें मांग ली, हेयर दीज आर, ये लो, ये रहा है आपके लिए, तो हेयर मतलब लो ये रही, ये तो कहते हैं लो ये रही, ये तो कहते हैं हम, इसी को तो बोलते हैं, आंसर तीसरा है इसका। कैन यू लैंड मी ए पेंसिल, लैंड होता उधार देना, क्या तुम मुझे एक पेंसिल उधार दे सकते हो, उधार देना, क्या तुम प्लीज मुझे एक पेंसिल उधार दे सकते हो, यस हेयर इट इज, लो ये रही, लो ये रही, खत्म हो गया,
ये क्या आ रहा है, यस यू कैन, यस हियर यू, यस हियर क्या है ये, हियर इट इज, लो ये रही पेंसिल, इसमें है पेंसिल, तीसरा आंसर है। ही सेड टू हिज सर्वेंट गो अवे, जब एक व्यक्ति किसी नौकर से कुछ कहता है बच्चों, तो सबसे बढ़िया उसमें जो होता है ऑर्डर्ड होता है, बाकी टाइम खराब करने वाले टाइम खराब करते रहे, खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 14, ही सेड टू हर मे यू सक्सीड, बढ़िया सवाल है क्योंकि ये आपका नंबर खा सकता है। सबसे पहले मैं इन्हें काटूंगा, प्रेड कोई बात नहीं, बढ़िया लगा दो अपने पास से, टू लगा दो, गॉड चलो मैं कह रहा हूं लगा दो, इसका क्या करोगे आप, इसका सब कुछ खत्म हो गया, लुट गया। आ जाओ सर ये बहुत बढ़िया, माइट, ये माइट बढ़िया, लेकिन दुआ देने के लिए टोल्ड कैसे लगा दोगे आप, जो बर्दाश्त नहीं होगा हो गई नहीं वो। मुझे उम्मीद है कुछ बच्चों ने समझदारी दिखा के ये आंसर ले लिया होगा। बात आती सर ये आंसर कैसे हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, मीनिंग बना हुआ है। उसने उस लड़की से कहा तुम कामयाब हो जाओ, उसने उस लड़की की कामयाबी की दुआ दी, वो तो गया खत्म। या फिर एग्जैक्ट आंसर चाहिए जो है नहीं और जो शायद मिलेगा भी नहीं पेपर में आपको, तो वो ये बनेगा। ही विज्ड हर, अब इसे ढूंढ लो कहाँ है, ये तो मिल नहीं रहा, हर का यू का शी हो जाएगा। ही विज्ड हर दैट शी माइट और सक्सीड, सक्सीड फर्स्ट फॉर्म होती है, सक्सीडेड होती है सेकेंड फॉर्म, खत्म हो गया ये। 14 का आंसर कौन सा हो गया बच्चों हमारा, दूसरा एग्जाम्पल। नेक्स्ट, ही सेड आई सा ए बुक हेयर, बच्चों इसे काटो क्योंकि इसका हेड सीन होना है, हेयर नहीं होगा, आंसर हो गया पहला। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ऑन बींग आस्क्ड बाई द टीचर, ये तो पहला है ही कन्फर्म, ये छठा है कन्फर्म, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा बनाना है। चलो आंसर देखते हैं। ऑन बींग आस्क्ड बाई द टीचर, अध्यापक के द्वारा पूछे जाने पर, जब अध्यापक ने पूछा, क्या पूछा ये तो बता दो, ये पूछा, पहले पूछेगा वो, या पहले ये बता दो कि चुप रहे, पहले सवाल तो करने दो। Why he always came late to the class, वो हमेशा क्लास देर से क्यों आते हैं, एंड देन सॉरी उन्होंने पूछा क्लास देर से क्यों आते हो, क्या होगा इसके बाद में, द स्टूडेंट फर्स्ट kept quiet, पहले तो वो चुप रहे और फिर अपना बैग उठाया और चले गए, खत्म हो गया, तीसरा आंसर। एग्जाम्पल नंबर नेक्स्ट, ए पोलिटिकल डिसीजन और पॉलिसी, मे सीम टू बी वेरी वाइज, एक राजनीतिक फैसला और नीति, मे सीम टू बी वेरी वाइज इफ जज्ड बाई इट्स इमीजिएट रिजल्ट, यानी कि अगर कोई भी राजनीतिक फैसला या राजनीतिक नीति अपनाई जाती है तो शुरू में बड़ी बुद्धिमानी की लगती है जब इसे शुरुआत में देखा जाता, बट मे प्रूव टू बी अनसाउंड इन द लाइट ऑफ इट्स अल्टीमेट कॉन्सिक्वेंसेज, बच्चों आर पी एस क्यू खत्म हो गया आंसर। एग्जाम्पल नंबर नेक्स्ट, अब ये हमें अपने आप ही बनाने हैं, पी क्यू आर एस, इनमें पता नहीं कौन सा है, ये उससे मुश्किल है मेरी नज़रों में, इससे मुश्किल मतलब इसमें पहला छठा दे दिया तो थोड़ी आसानी हो गई बीच में रखने में, यहाँ अपना ही ढूंढना पहला, और कैसे ढूंढना बच्चों, ऐसे ढूंढना है। समटाइम्स कभी कभी द टर्म पॉल्यूशन, ये जो शब्द है, टर्म का मतलब शब्द है, ये जो शब्द है हमारा यहाँ पे प्रदूषण, इज एक्सटेंडेड टू इंक्लूड एनी सब्सटेंस व्हेन इट अकर्स एट सच अननेचुरली हाई कॉन्सेंट्रेशन विद इन ए सिस्टम, आंसर लेके जाऊंगा बच्चों में आर पी एस क्यू का है आंसर, हो गया चौथा। चलो आप बना लें इसकी हिंदी अपने आप में, चूज द वन विच कन्वेज द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस, बच्चों विद ए गन, आपको पता है जब हम किसी बंदूक से, चाकू से, किसी भी चीज से कुछ काम करते हैं, अगर कुछ काम करते हैं अगर, तो बच्चों ये बाद में आता है, पता कैसे करके, ऐसे करके। ही ब्लू आउट हिज ब्रेन्स विद ए गन आफ्टर बिडिंग हिज वाइफ गुड बाय, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये है कि उसने बंदूक से अपने गोली मार ली, जब उसकी पत्नी ने उसे अलविदा कह दिया, चली गई, तो उसने अपने आप को गोली मार ली, इसका कुछ ऐसा ही मीनिंग है। बाकी बच्चों अगर करें तो यहाँ पे विद ए गन गलत, अभी देखना ही ब्लू आउट विद ए गन और हिज ब्रांच नहीं, पहले ऑब्जेक्ट आएगा, ही ब्लू आउट हिज ब्रांच आफ्टर बिडिंग हिज वाइफ विद गन, गलत बात है, आंसर कौन सा है बच्चों, दूसरा। ही ब्लू आउट हिज ब्रांच विद ए गन आफ्टर बिडिंग हिज वाइफ गुड बाय, अपनी पत्नी को गुड बाय कहने के बाद फिर उसने अपने आप को गोली मार ली। बारिश हो रही थी वो बाहर चला गया बिना रेनकोट के, उल्टा क्यों करा इसने,
अरे जब बारिश हो रही है तो रेन कोट तो पहनना चाहिए, उल्टा कर रहा है, उल्टा कर रहा है, लगा दो खोल दो। हालांकि बारिश हो रही थी फिर भी उसने रेन कोट नहीं पहना। अगर आप सोच रहे हो सर पिछले वाले का तो आपने कोई एक्सप्लेनेशन ही नहीं दिया, प्रैक्टिस क्लास है बच्चों, उसमें एक्सप्लेनेशन देने में आधा घंटा लग जाएगा, जो समझाने की वो समझाता चल रहा हूँ, बाकी देख लो आप। ए न्यू पुलिस कॉन्स्टेबल वाज अपॉइंटेड टू पेट्रोल, ये वर्ब है बच्चों, गश्त का लगाना, मार्च नहीं करते, वॉक नहीं करते, पेट्रोल तो नाउन है। ये बात आती है सर मार्च क्यों नहीं करा आपने, पहली बात तो ये ध्यान रखो बच्चों, जब किसी को कहीं पर तैनात किया जाए, कहीं पर कुछ काम करने के लिए दिया जाए तो वो काम मार्च करना नहीं होता। मार्च तो किसी प्रोग्राम में या कहीं पे कोई अधिकारी आया हुआ उनके सामने खड़े होकर आगे कदम ताल करने पाती है, और मार्च वैसे भी तीन चार लोगों के साथ होना चाहिए, वैसे अकेला भी कर सकता कोई व्यक्ति, लेकिन मेरा जो मीनिंग है यहाँ पे वो ये है। और दूसरी बात सबसे बड़ी जो चीज़ है वो तो ये है ना, सेंसिटिव एरिया, जो संवेदनशील एरिया है वहां पे गश्त लगाने को कहा गया, बातें खत्म हो गई। द रिटर्न्स हैव टू बी सेंट टू द चीफ, ये बता रहे हैं जो रिटर्न्स है वो भेज दिए जाते हैं मुखिया को। अब ये बता रहे हैं सैटरडेज, बच्चों मुझे उम्मीद है इसको देख करके जो ग्रामर मजबूत रखते हैं तभी कहा गया है कि 45 प्लस वाले अलग होंगे, ये और ये नहीं आ सकता, जिसे नहीं पता नोट कर लेना, इसके बाद चाहिए सिंगुलर नाउन, खत्म हो गए ये दोनों। तो कुछ क्वेश्चन दिए हैं मैंने, तभी तो मैंने इतनी बड़ी बात बोल रखी है आपसे, जो स्कोर बताया है, ताकि हम झूठे साबित ना हो। अब बच्चा ये और ये बच्चों अल्टरनेट आंसर, इसका अल्टरनेटिव तो विकल्प होता, और अल्टरनेट का मतलब होता है एक छोड़कर एक, यानी कि वो हर शनिवार के बाद एक शनिवार छोड़ते हैं फिर भेज देते हैं पैसे, वो ये इसका मतलब है। ऐसे ही बच्चों कहीं अगर आपको लगे कि ट्रेन आती है कहीं पर और वो बताना है कि मैं अल्टरनेट डेज पर आती है, तो वो जो दिन है एक दिन छोड़ करके और दूसरे दिन आती होगी, ये इसका मतलब होता है। जैसे मेट्रो स्टेशन पर जाओगे तो कोई बोल सकता है भैया एक ट्रेन आएगी उसके बाद दूसरी आएगी फिर वो आएगी दोबारा से, तो अल्टरनेटली आएगी वो, ये इसका मतलब है। आंसर लगा देंगे तीसरा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। द ब्लैंक ऑन सम ऑफ द टाउन्स हैज क्रिएटेड अमंग द रेजिडेंट्स ऑफ द अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री, बच्चों धावा बोलने पे जानकारी हो जाएगी मैं इससे संतुष्ट नहीं हूँ, हमला करने पे महत्वाकांक्षाएं बढ़ जाएंगी मैं इससे खुश नहीं हूँ, मैं इससे खुश हूँ। द बॉम्बार्डमेंट ऑन सम ऑफ द टाउन्स, ये बता रहा है किसी कस्बे के ऊपर बमबारी होने के बाद हैज क्रिएटेड, जब ये काम हुआ तो इससे क्या हुआ, हैज क्रिएटेड पैनिक, उनमें डर पैदा हो गया वहां के रहने वालों में, निवासियों में, ये इसका मतलब है, इसका कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे। आंसर बच्चों 23 का तीसरा है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। दे ड्रू में डिड है, आप टाइम वेस्ट कर लो, हम नहीं करेंगे टाइम वेस्ट, हमारा आंसर ये हो गया, इसमें आईएनजी गलत है, आप करते रहो टाइम वेस्ट। द जिमनास्ट्स हैड नॉट डन, तो हैड नॉट बीन डन, मेरा आंसर तो ये हो गया, यहाँ पे ये नोट यहाँ आना चाहिए था तब होता, ये आंसर पहला है, खत्म हो गया, नीचे हैव और हैव गलत है। कुंदन विल हैव रीच्ड होम, अच्छा इसकी एक बात करते हैं जरा हम आपसे, जेन्युइनली अगर ग्रामर में आप पूछें तो इसका पैसिव बनना नहीं चाहिए, क्योंकि ये जो रीच्ड के बाद होम है ना, नोट कर लो, ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है, और एडवर्ब को सब्जेक्ट बनाना नाउन के बदले में एक अच्छी ग्रामर का संकेत नहीं है, लेकिन कुछ भी क्वेश्चन आ जाए पेपर में आपको अगर पैसिव दे दिया तो अपना काम करके आओ, जो बताया गया आपको, आप चक्कर में मत पड़ो। तो विल हैव का विल हैव बीन आंसर तो बच्चों हमारा तीसरा हो भी गया, वुड गलत, इसमें बीन नहीं है, खत्म हो गया 26 का तीसरा। देयर इज नो गेम टू प्ले, बताया था देयर प्लस कुछ भी हो तो टू बी प्लेड कर दो, बाकी सब ऐसे उतार दो, देयर इज नो गेम टू बी प्लेड, बाकी सब फालतू की बातें हैं, फॉर्मूला भी दे दिया मैंने पिछली क्लासेस में इसका। Why do you tell a lie? बच्चों do you tell a lie? तो आंसर जो है हमारा वो कौन सा हो जाएगा, आंसर ये हो जाएगा, इसमें B क्यों आया मुझे B का जवाब दो क्यों आया, इसमें बच्चों सिंपल क्यों बना दिया, और इसमें ing क्यों आ गया, खत्म हो गया तीसरा आंसर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। फैसिलिटेट का मतलब होता है फैसिलिटी होती सुविधा, तो फैसिलिटेट सुविधाएं देना बढ़िया करना उसे, एंटोनियम है, आंसर दूसरा आएगा, बाधा डालना, इसमें चीजों को आसान करते हैं इसमें बाधा डाल देते हैं, खत्म हो गया क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। सैल्यूटरी, ये तो लाभकारी होता है बच्चों, हितकारी, हमें बताना क्या है इसका एंटोनियम, नॉक्सस, नुकसानदायक या जहरीला, नुकसानदायक या जहरीला, खत्म हो गया क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्या आया ये, अच्छा क्लोस्टेस, चलिए देखते हैं, आंसर तो आपने लगा ही लिए होंगे, मैं समझा देता हूँ। एवरी डे फॉर ए होल ईयर, एक साल तक लगातार रोजाना,
ऑल काइंड ऑफ होली मैन, सभी प्रकार के पवित्र इंसान, जिसमें साधु थे, विद्वान थे, नोबल्स श्रेष्ठ लोग थे, आते थे एंड रिलेटेड टू द प्रीस्ट्स और पुजारियों से बातचीत करके उन्हें अपने देयर डीड्स, अपने काम बताते थे। कौन से काम बच्चों? चैरिटी के। बात आते सर काइंडनेस ले लो, चलो मैं काइंडनेस ले लेता हूँ आपके कहने से, ठीक है ना, ले लेते हैं, लेकिन आगे चलना एंड द प्रीस्ट इन सॉल्म काउंसिल हियर देयर क्लेम्स, ये क्लेम्स है बच्चों, ठीक है, यहाँ पे उनके दावे सुनते थे। एट लास्ट दे डिसाइडेड दैट द, मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे मैंने ये क्यों चुना, क्लोज थे, इसकी खासियत है कि थोड़ा सा आगे चल करके आपको आंसर मिल सकता, तो मुझे उम्मीद है ये आपने नहीं लगाया होगा, ये आपने नहीं लगाया होगा आंसर, या तो ये लगाया होगा या ये लगाया होगा, मैं ये लगवा रहा हूँ, इसी को लगाना, ये क्यों नहीं हुआ, फिर रुक जाओ। फिर आखिर में उन्होंने फैसला कर लिया कि वन, वो व्यक्ति हु सीम्ड टू बी द ग्रेटेस्ट लवर ऑफ, चलो यहाँ पे भी छोड़ो, वाज ए रिच मैन हु हैड दैट वेरी ईयर गिवन ऑल हिज वेल्थ, बच्चों याद हो गया, लोग वहां अपनी अपनी चैरिटी कितने कितने की है, मतलब दान के आधार पर अपने आपको बढ़िया बता रहे थे कि हमने दान दिया इतना, हमने इतना दिया, और यहाँ पे सिद्ध हो गया करके। तो बच्चों मेरा आंसर तो ये रहेगा, मैं इस पर नहीं जाऊंगा, काइंडनेस यहाँ वो काम नहीं कर पाएगी जो चैरिटी कर पाएगा। काइंडनेस में तो बच्चों बहुत सारी चीजें आ जाएंगी ना, काइंडनेस में कई तरीके से काइंडनेस दिखा सकते हैं आप। आप मान लीजिए कि बस में जा रहा हो और बस में किसी ने आपसे कहा प्लीज मुझे सीट चाहिए, आपने दे दी, तो वो भी काइंडनेस हो गई। लेकिन चैरिटी का यहाँ पे यूज किया गया क्योंकि यहाँ पे बताएंगे कि उनने बहुत सारे पैसे दिए हैं कहीं जा करके। मेरा आंसर पहले का चैरिटी है। आगे चलते हैं, एट लास्ट और आखिर में क्या हुआ, फिर उन्होंने फैसला कर लिया उस व्यक्ति को जो लगता था कि सबसे ज्यादा लवर है, किसका बच्चों, मैनकाइंड का है, इसमें यह रहा कि वो मानव जाति का सबसे बड़ा प्रेमी है। वाज ए रिच मैन, वो एक अमीर व्यक्ति था, हु हैड, जिसने दैट वेरी ईयर उसी साल, गिवन ऑल हिज, आंसर आएगा बच्चों वेल्थ, जिसने अपनी सारी दौलत देती थी गरीबों में। सो दे गेव हिम द प्लेट ऑफ गोल्ड, ये कोई कहानी है, कहानी का आधा हिस्सा खत्म कर दिया गया, बीच में से कहानी दिखाई गई है, ऐसे ही बनते हैं क्लोज थे। इसलिए उन्होंने उसे वो सोने की प्लेट दे दी, बट लेकिन व्हेन ही टुक इट, लेकिन जैसे ही उसने इसे अपने हाथों में लिया, इट टर्न्ड इनटू, बच्चों अभी सोने की प्लेट थी, अब लीड जो शीशा होता है ये तो बेकार हो गया बिल्कुल, यानी कि वर्थलेस, आंसर क्या बनेगा, वर्थलेस। और एक बात और है, अगर आप सोच रहे हो सर मैं समझ नहीं पाया ये लीड क्या है, यहां से नहीं समझा आपने, व्हेन ही ड्रॉप्ड इट ऑन द फ्लोर, फिर उसने प्लेट को फेंक दिया, तो यानी कि वो किसी काम की नहीं थी, इसलिए आंसर वर्थलेस होगा। टू हिज, और बच्चों आंसर क्या आएगा, अमेजमेंट, उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये वापस से क्या बन गई बच्चों, ये फिर से, अच्छा यहाँ पे ए है, ये फिर से क्या बन गई बच्चों, ये फिर से बन गई यहाँ पर सोने की प्लेट, फिर से गोल्ड बन गया ये। इसका मतलब जिस व्यक्ति को वो सोने की प्लेट दी गई थी, जिसने अपनी जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा गरीबों में, सबका सब हिस्सा गरीबों में बांट दिया था, उसके हाथ में आने के बाद सोने की प्लेट बेकार हो गई, उसकी बेइज्जती हो गई, ये भी एक काम की चीज है बच्चों। मतलब चैरिटी करना तो बढ़िया है, देखो अगर कोई दिखा के भी कर रहा है तो मेरा मानना है कि मतलब दिखा के, मतलब आप लोगों को दिखा रहा है कि देखो मैं इतने पैसे दे रहा हूं तो ठीक है, लेकिन नहीं है मतलब सही। वो बंद मुट्ठी से किसी को देना, और जिसे दे रहे हैं एक उसे और एक आपको खबर है, तीसरे को खबर ना हो, दिस इज द जेन्युइन चैरिटी, ये एक्चुअल में चैरिटी होती है। अब आप जिसकी मदद कर रहे हो उसका ढिंडोरा पीट रहे हो, आप फोटो खिंचवा रहे हो खूब चला भी पीछे, या फोटो भी खिंचवा जगह जगह बताते पड़ना कि उसे मैंने इतने रुपए दिए, या क्यों मतलब आज उसे दे रहा हो, कहीं ऐसा ना हो कि 20 साल बाद आपके परिवार में ऐसी स्थिति आ जाए कि वो अमीर हो जाए, उसके बच्चे आपको देने पड़ जाए, आपको देवा करके, तो ये तो चलता रहता बच्चों। ये ध्यान रखना कि जो आज अमीर है अमीर ही नहीं रहेगा, और जो आज गरीब है गरीब ही नहीं रहेगा। और मेरा तो खुद का अनुभव है, मेरा खुद का अनुभव इतनी कम उम्र में, 20 साल बाद या 30 साल बाद अमीर गरीब और गरीब अमीर हो जाते हैं, इसका ध्यान रखना। वजह भी है इसके पीछे, जब एक किसी का पिता बहुत ज़्यादा अमीर हो और वो अपने बच्चों को ये एहसास करा दे रहे बीच बीच में कि हाँ भाई तेरा बाप अमीर है बहुत ज़्यादा, तो वो बच्चे इस बात का एहसास करके अपने शरीर को ऐसी स्थिति में ले जाएंगे कि उनका शरीर एक गिलास पानी अगर लाना है कहीं से तो उसके लिए भी चाहेगा कि नौकर मिल जाए, बस खत्म हो गया। अब क्या कर पाएंगे अपनी लाइफ में, वो बिजनेस मिल गया कर लिया तो ठीक, नहीं हुआ तो बर्बाद हो जाएंगे, गरीब हो जाएंगे। इसका उल्टा, एक वो व्यक्ति जो गरीब है, जिसे ये समझ लो आपकी पानी का गिलास तो छोड़ो यहाँ से, बल्कि अपने घर के पूरे बर्तन धोने के लिए पानी के लिए कम से कम कोसों दूर जाना पड़ता, कंधे पर रख के लाता है, ये मेहनत कर रहा है, ये कहीं और जाएगा, तो इसलिए बदल जाते हैं। तीसरी बात,
20 30 साल बाद इसलिए बदल जाते हैं लोग, ये ध्यान रखना, आगे चल लो। ओहो, एक किलो स्पेस और आ गया, तो क्या हो गया, पेपर वैसे बनना था ना जैसा है, आधा कर दिया बस हमने उसे। ही इज सॉरी लाइफ इज फुल ऑफ टाइप्स। बच्चों ये तो समझौता मिले हुए लोग जो होते हैं वो होते हैं, ये बढ़ाया हुआ होता है, बढ़ाया हुआ सिस्टमेटिक होता है, सिस्टमेटिक ये आएगा ना, वेरिड, कई सारे वेरिड, ये काम कर रहा वेरियस का, इसी से तो बनेगा, तो वही होते हैं वेरियस टाइप या वेरिड टाइप्स। तो जिंदगी कई सारे अनुभवों से भरी हुई है, स्ट्रेंज बड़ी अजीब बात है कि वास्तव में आर द वेज ऑफ गॉड, ये सब भगवान के तरीके हैं। इफ ए मैन इज हैप्पी टूडे, अगर आज कोई इंसान खुश है, ही मे बी। अब इतनी तो बच्चों मैं आपसे उम्मीद कर सकता हूँ कि जब एक तरफ उसने बता दिया कि आज खुश है तो कल वो काफी अच्छा, ये आती मोस्ट नहीं बच्चों, ये मत लगाना, मेजर मत लगाना, ये लगाओ क्वाइट, ये हमारा इंटेंसिफायर होता है, इसे मत लगाना, ये तो चुपके से हो गया। तो ये बता रहे हैं कि अगर एक इंसान आज खुश है तो कल वो काफी काफी दुखी हो सकता द वेरी नेक्स्ट डे। अगले अभी मैं वो बता रहा था आपको बात, जब आपको ना अभी और पैसे कमा लो, आप जॉब पे चले जाओ सब, जब आप एक टाइम आएगा तो आपको ये बातें जो हम बोल रहे हैं, हम नहीं और भी बोलते होंगे टीचर आपके, तो आपको एहसास होगा यार सही कह रहा था वो बंदा, यार उस दिन यूट्यूब पे जो बोल रहा था वो सही बात थी यार, अब पैसे आ गए हम अमीर हो गए ये वो, तो यार दिल ही नहीं करता किसी काम को करने का, यहीं से बस समझ लेना बर्बादी शुरू हो जाती है, यहीं से आपका जो परिवार है वो गरीबी की तरफ जाएगा। आप अपने बच्चों को, जब आपके बच्चे हो जाएं, कभी भी ये एहसास मत करवाना कि बेटे तेरे बाप के पास बहुत पैसा है, 1% ही होते हैं जो इस चीज़ को अच्छी चीज़ लेते हैं, वो बढ़िया करके करते हैं, बाकी सब मौज में, अरे 50 बीघे पड़ी है, टेंशन की कोई बात नहीं है, वीडियो बनाते हैं बढ़िया करके चल रही होती है उनकी वीडियो, जैसे कोई केस बिगड़ा हाथ जोड़ते फिर रहे होते हैं पुलिस वालों के सामने, अरे वो तो मैंने वैसे बनाई थी ऐसे करके। तो बच्चों इन चीज़ों थोड़ा सा ठीक है ना, मैं किसी के खास तौर से किसी के ऊपर नहीं बोल रहा, ये मैं सिर्फ अपने बच्चों से बोल रहा हूँ, बाकी कोई भी कुछ भी कहे मुझे कोई मतलब नहीं है, मैं बता रहा हूँ अपने बच्चों को, क्यों, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चे आज मेरे साथ हैं परेशान ना हो, कल को मेरे साथ नहीं होंगे तो भी परेशान ना हो, जिंदगी में हर कहीं एंजॉय कर रहा हूँ हर पल को, हर चीज़ को, और ज़िंदगी को एंजॉय करने के लिए बच्चों पैसों की ज़रूरत नहीं होती है, ज़िंदगी को एंजॉय करने के लिए प्योर हार्ट की ज़रूरत होती है, जो हमेशा तैयार रहता दूसरों की मदद करने को, उससे जो फीलिंग आती है उसे तो एंजॉयमेंट बोलते हैं उसी को। ये आ गया आप तीसरे नंबर पे, या तो गया अभी तो बता रहे थे, चलो सम एक्सपीरियंसेस आर प्लीजेंट, कुछ अनुभव जो हैं वो खुशनुमा होते हैं, अच्छे होते हैं, एंजॉयफुल और अच्छे, वाइल अदर्स आर फुल ऑफ, यहाँ थोड़ा सा आपको परेशानी पड़ी होगी बच्चों, नोट कर लो इसे, ये दुख दर्द होता, दुख दर्द करुणा, बाकी को आप देख लेना, फिलहाल ये आंसर लगा लेना, एंड पैन, तो एक तरफ बता रहे हैं कि खुशनुमा होते हैं, दूसरी तरफ कभी कभी इसमें मुसीबत और दर्द होते हैं। इफ एट वन टाइम ए पर्सन फाइंड्स हिमसेल्फ ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड, अरे ये मुझे नहीं पता था वाकई में पैसे जाने वाला, लेकिन जो मैंने बोला वही बात आ गई सेम, बिल्कुल देखो यहाँ पे आकर के, एक बार को एक इंसान अपने आप को पाता है टॉप पर, दुनिया में टॉप पर है वो, एट द एक टाइम पर ये, एट द अदर टाइम, और दूसरे समय पर फिर वो पाता है कि वो तो डाउन कास्ट हो गया, वो तो बहुत ज्यादा गरीब हो गया, बर्बाद हो गया बिल्कुल एकदम से। दुनिया में अगर आपकी पहचान बनेगा तो पैसा नहीं बनेगा, दुनिया में अगर आपकी पहचान बनेगी तो पोस्ट नहीं बनेगी, दुनिया में अगर आपकी पहचान बनेगी ये बनेगी, जबान बनेगी, किस तरीके से आप व्यवहार करते थे, बड़ों के सामने किस तरीके से पेश आते थे, उन्हें लगता था कि यार इसके माँ बाप ने मैनर से सिखाए हैं, यही चीज़ दुनिया में आखिर में जीतनी है, बाकी दुनिया में कुछ भी होता रहे, फिलहाल कुछ भी होता रहे जीतेगा यही जो हम बता रहे हैं, हम रहें ना रहें 100 साल बाद 50 साल बाद, लेकिन जीतेंगे यही चीज़ है, या फिर दुनिया बर्बाद हो जाएगी, खत्म हो गया बच्चों हमारा, अगले पे चलते हैं। द गार्ड आस्क्ड हु आर यू, बहुत बेहतरीन सवाल है बच्चों, द गार्ड आस्क्ड हु ही वाज, मैं इसका आंसर लगा सकता हूं लेकिन मैं लगाना नहीं चाह रहा अभी, दूसरा गलत है बच्चों, जब द गार्ड आस्क्ड मी ले रहे हो आप मी, तो यू के हिसाब से तो यहां आई होना चाहिए था ना, ये तो बिल्कुल ही गलत है, लेकिन इसको मैंने गलत नहीं कहा अभी, दूसरा गलत है तीसरा गलत है। अब आती इन दोनों में कंपटीशन, जो पढ़ा दिया वो अमर हो गया, पढ़ाया था कि जब लिसनर मौजूद ना हो, लगा सकते हैं अपने पास से लगा दिया, लेकिन यहाँ पे आई करना चाहिए था इसे, छोड़ दो इसे, अब नहीं है लिसनर, यू को किसमें चेंज करेंगे बताया था, सबसे पहले मी मानो, तो सर मी मान तो लिया तो आई तो कर दें, आई कर देंगे, आई कर दें तो तभी तो कुछ हो पाएगा, जब आई ही नहीं करा तो कैसे होगा, आई कर दें तब हो पाएगा ऐसा, ठीक है ना। तो द गार्ड आस्क्ड, अब बच्चों ये आंसर मेरा प्रीफर करूंगा मैं, क्योंकि मुझसे पूछा पहले मैं अपने आप को रखूंगा, नंबर वन आंसर यही है, इसी पे नंबर मिलेगा,
उस पर तब मिलेगा जब ये नहीं होगा, खत्म हो गया, आंसर चौथा है, वो फीका पड़ गया बेचारा। शी सेड दे विल बी लीविंग सून, उसने कहा कि वो जल्दी ही रवाना हो जाएंगे। आंसर तो बच्चों हमारा ये हो गया, इसमें आईएनजी खत्म कर दी, ये कहां से लेकर आगा भैया, ये कहां से आ गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, द सेक्रेटरी सेड इज मिस्टर फिशर इन हिज ऑफिस, ये क्यों लगा रहे हो आप सेड दैट, जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो इसमें दैट और इफ क्यों लगा रहे हो, इसमें हैड बीन क्यों लगा रहे हो, आंसर दूसरा क्यों नहीं लगा रहे हो। काउंसिल सलाह, आंसर हो गया एडवाइज, नोट कर लेना सिनोनिया में। और एशियस होता है थोड़ा जिद्दी टाइप का, थोड़ा सा हिम्मत करने वाला, घमंडी टाइप का, ये सब आते हैं इसके अंदर, इसका आंसर डेयरिंग होगा। वेंचर प्रयास होता है बच्चों, ये नाउन है, डेयरिंग इंसान होता है, ही इज अ डेयरिंग पर्सन, हिम्मत करने वाला, ये आएगा इसके अंदर, जो गुस्ताखी कर दे। बच्चों ये हमारा जो पैसेज है, हम इसमें सिर्फ इतना बताना चाह रहे हैं आपको, जिसने कोशिश करी, जिसने हिम्मत करी, उसका आंसर देखो कैसा आएंगे। द फर्स्ट प्रॉब्लम विच मैनकाइंड फेस्ड वाज, आ जाओ, देयर हैज बीन द प्रॉब्लम ऑन द वन हैंड, पहली प्रॉब्लम आ रही है, देयर हैज बीन द प्रॉब्लम ऑफ मास्टरिंग नेचुरल फोर्सेज, मास्टरिंग द नेचुरल फोर्सेज, पहली शर्त खत्म हो गया, मैचिंग हो गई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मैन एनकरेज्ड नेचर इन द प्रोडक्शन ऑफ यूजफुल एनिमल्स एंड प्लांट्स, या तो गया, मैचिंग चल रही है, अभी बताया तीन दिन पहले कि जो पैसेज मुश्किल लग जाए पढ़ लो और क्वेश्चन को देख करके ऊपर आके पूरे कर लो सेंटेंस, बस यही होता है, हिम्मत करी तो आगे निकल गए, अब नहीं करी हो तो अगली बार हिम्मत कर लेना कभी मौका मिले तो। पैसेज मुश्किल, आंसर आसान, खत्म हो गया, आंसर चौथा है, आगे बढ़ते हैं। द सेकेंड प्रॉब्लम इज, अब तो सेकेंड प्रॉब्लम है उस पर आते हैं, तो बच्चों सेकेंड प्रॉब्लम कहाँ है, ये ऑन द अदर हैंड, एक तरफ ये होगा, अब दूसरी आ रही है, टू एनकरेज नेचर इन द प्रोडक्शन ऑफ एनिमल्स इज द फर्स्ट प्रॉब्लम इन द मॉडर्न, अभी रुक जाओ, अभी यहाँ नहीं मिल रहा हमें आंसर, यहाँ आते हैं बच्चों, द सेकेंड प्रॉब्लम याद दिया, द सेकेंड प्रॉब्लम लेस प्रिसाइज आंसर आ तो गया, जोड़े बनेंगे जोड़े, आगे चलो। द सेकेंड प्रॉब्लम डील्स विद आगे देखो, इट इज द प्रॉब्लम ऑफ हाउ बेस्ट टू रियलाइज अवर कमांड ओवर द फोर्सेज एंड नेचर, तीसरा आंसर है इसका। वन बर्निंग इशू इज ऑथोरियन डोगमा वर्सेज लो, ये भी पूरा नहीं करोगे, ऑथोरिटेरियन डोगमा कहा है इसमें, ऑथोरिटेरियन डोगमा ही आ गया, ठीक है ना, तो पीछे को देखना हमें क्या लेना है, फ्री स्पेकुलेशन, आंसर हो गया चौथा। मैंने ये काम इसलिए करा बच्चों, मैं यही राय दूंगा आपको, जब पैसिव डिफिकल्ट शब्दों से भरा हो मैचिंग कर लो, क्वेश्चन पढ़ो, ऊपर उस जैसा ढूंढना शुरू कर दो, मिल जाएगा, मुझे लग रहा है सारे क्वेश्चन पूरे होगा। स्कोर देखें अपना और मुझे बताएं, और अपने आप में भी थोड़ा रिलैक्स रहें। एक चीज़ और, सिर्फ हमने एक पेपर सेट तैयार किया कि ऐसा हो सकता है, लेकिन हम एसएससी के हेड तो है नहीं, जो हमने कर दिया वैसा ही होगा, हाँ लेकिन कोशिश पूरी करी कि ऐसे ही पेपर होंगे, बट डबल दुगना हो जाएगा, 2 की जगह 4 किलो स्टेज या 2 किलो स्टेज, पैसी देख दिया वहाँ 3 आ सकते हैं, 3 ही आते हैं, नरेशन वगैरह कुछ ऐसे पीक वाले 5 हो जाएंगे, सुनो हम 2 दिए हमारे 5 आएंगे, ये बात हो जाएंगी, ईडियम फ्रेज 2 दी 3 दी हमारे 5 हो जाएंगी, ग्रामर ज्यादा की वजह से मैंने ऐसा करा। सर आपका जो ये मॉक टेस्ट है, इसे लगाने के बाद मेरा बड़ा उत्साह बढ़ा, ठीक है आप एंजॉय करें, लेकिन दूसरे बच्चे, सर मैं बड़ा डिमोटिवेट सा हो गया, एक मॉक टेस्ट आपकी सारी तैयारी को नहीं माप सकता, ये पैमाना झूठा है, ऐसा हुआ है तो अगर आपके साथ, सच्चा पैमाना बताऊं आपको क्या है, सच्चा पैमाना ये है बच्चों, जो लग रहा है कि सर मैं वो स्कोर ही नहीं कर पाया जो मुझे उम्मीद थी, ये है, मुझसे जितना हो पाएगा, जितनी मेहनत मुझसे हो पाएगी, जितना मैं कर सकता हूं करके ही मानूंगा इन 20 दिनों में, बाकी वो जाने, इससे बेहतर कोई तरीका नहीं है दुनिया में। मैं भी ऐसी हूं, मैं सुबह को 8 बजे क्लास में आता हूँ, शाम को 6 बजे जाता हूँ, और इस बीच में पूरे जी जान से लग जाता हूँ बच्चों के साथ, अब मुझे परवाह नहीं है बच्चे का सोचेंगे, आए ना आए पढ़ने, मुझे टेंशन नहीं है, मैं जानता हूँ वो देख रहा, तो बच्चों ऐसे ही आप मेहनत करते रहो, सब बढ़िया मिल जाएगा, क्या मुझे परिणाम नहीं मिल रहा है,
आप मेरे बारे में तो जानते हैं, मेरे पास पढ़े हुए हो आप जानते नहीं एडमिशन कैसे होते हैं। एक बैच शुरू करने की बात हुई थी अक्टूबर में, दो बैच शुरू करने पड़ रहे हैं, 900 के करीब बच्चों के नाम लिखे हुए हैं। ये क्यों बोला मैंने, इसलिए बोला बच्चों क्योंकि मेरा कॉन्सेप्ट अपनाओ आप, क्या अपने काम को ऐसे कर लो कि काम भी मान जाए यार कौन आज्ञा मुझे करने के लिए, ऐसे कर लो काम को बस एक बार, प्लीज ऐसे कर लो, एक साल डेढ़ साल दो साल ऐसे कर लो प्लीज। वो देख रहा है आपको, मुझसे किसी तरीके की कोई शिकायत ही नहीं रहेगी, आप बहुत बढ़िया तरीके से कामयाब हो जाओगे। चलिए ये रोकते हैं बात को, बाकी बातें बाद में। तो एक बार जाते जाते फिर बोल रहा हूँ, काम को ऐसे कर लो कि काम भी चक्कर में पड़ जाए, भाई कौन आ गया ये तो मुझे तहस नहस कर देगा, ऐसे कर लो, खत्म हो गई बात भाई।